हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इन्हीं चैप्टर्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है डिमांड एंड सप्लाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई। ये इकोनॉमिक्स में जब भी आप इकोनॉमिक्स के टर्म में किसी से भी बात करेंगे तो सबसे पहले वो इसी चैप्टर के बारे में आपसे बात करेगा, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आता है डिमांड का मीनिंग, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। अगर आपने ये तीन पॉइंट कवर कर लिए तो आपका डिमांड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिमांड का मीनिंग कवर करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ना है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ आप डिमांड कर्व भी पढ़ सकते हैं, डिमांड कर्व और उसका स्लोप, क्योंकि ये एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं चैप्टर। वो हमने लिया है कंज्यूमर इक्विबेरियम। कंज्यूमर इक्विबेरियम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपसे पूछा जाएगा इसका मीनिंग, इसकी यूटिलिटी, फिर इसमें पूछा जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कंज्यूमर इक्विबेरियम क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और उसका डायग्राम भी बताइए। तो आपको उसका डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम मूव करें तो वो है हमारा इकोनॉमिक्स। बहुत बेसिक चैप्टर है। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग्स भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा इकोनॉमिक क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है किसी भी इकोनॉमिक की। इसके साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि आप इसको एक्सप्लेन करो व्हाट हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम। फ्रेंड, नेशनल इनकम जो है इसमें आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स पूछे जा सकते हैं, और साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एग्रीगेट रिलेटेड नेशनल इनकम जो है, जैसे कि आगे जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, इसका मीनिंग पूछा जा सकता है, नेशनल इनकम का मीनिंग पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल इनकम का क्या रोल है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका मीनिंग पूछा जाता है, इसके कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं, और इसमें और कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ आपका आपसे मीनिंग और इसके कंपोनेंट्स ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट पूछे जाएंगे, उनका मीनिंग पूछा जाएगा, उनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पूछे जाएंगे। मैं आपसे श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने ये छह टॉपिक्स जो हैं इनको कंप्लीट कर लिया तो आप 90 प्लस स्कोर करेंगे, क्योंकि इसमें ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अब अगर इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये 6 टॉपिक जो है इनको कंप्लीट करना है पूरा अच्छे तरह से। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और विच वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।